दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर लेना चाहते हैं और अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहें। साथ ही साथ दोस्तों, ये हमारे इस चैनल की पहली वीडियो है और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और नए मेहमान हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जाहिर सी बात है कि आप लोग नए मेहमान ही होंगे क्योंकि ये चैनल बिल्कुल नया है। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम कंप्यूटर किस लिए लेते हैं। दोस्तों, दरअसल बात ये होता है कि कंप्यूटर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि शौकिया तौर पे लेते हैं। शौकिया तौर पे लेने वाले क्या करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तरह तरह की चीज़ें यहाँ पे देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, अपना वर्क करते हैं या और कुछ अपना यहाँ पे करते रहते हैं। जैसे कि कोई हुआ, कोई वेबसाइट को सर्च करता है या कुछ और यहाँ पे लोग देखते हैं। तो कंप्यूटर लेने का मतलब बहुत सारे लोग गेम भी खेलते हैं कंप्यूटर में, बहुत सारे लोग बहुत कुछ यहाँ पे करते रहते हैं। और अगर आपके पास कंप्यूटर है और अगर आपके पास कोई गेम यहाँ पे नहीं है तो आपके कंप्यूटर में भी गेम होता है। कहाँ से निकलेगा पूरी डिटेल मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। साथ ही साथ दोस्तों, आज पहला एपिसोड है इस वीडियो का, तो इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि अगर हम कंप्यूटर लें तो कैसा लें। दोस्तों, ज़माना बहुत आगे है और इस ज़माने में हमें ज़माने के साथ चलना पड़ेगा और ज़माने के साथ चलते हुए अगर आप सन 2019 में कंप्यूटर लेना चाहते हैं तो कंप्यूटर आप कैसा लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना कंप्यूटर मैं दिखाता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले हम जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर लेते हो तो ये जो एरो ये है, ये क्या है? दोस्तों, ये माउस से होता है और माउस जो होता है उससे हम इसे चलाते हैं। खैर, माउस के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो में आपको बना के बताऊंगा, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बता दूं कि आप कंप्यूटर लो तो कौन सा लो। दोस्तों, कंप्यूटर लेने के लिए आपको आपके बजट के हिसाब से बहुत सारे कंप्यूटर आपको मिल जाएंगे। अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हो तो 20,000-18,000 के आसपास में आपको एक लैपटॉप मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप उसको करोगे क्या आप वहाँ पे? आप लैपटॉप से क्या, अगर मान लो कि आप कोई वीडियो एडिट करते हो तो क्या वीडियो एडिट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। या क्या आप कर सकते हो? दोस्तों, 20,000 के लैपटॉप से आप सिर्फ वीडियो देख सकते हो या ईमेल भेज सकते हो या छोटे मोटा काम और कुछ कर सकते हो या VLC मीडिया पे आप वीडियो वगैरह देख सकते हो। खैर, यहाँ पे हमारे इस चैनल पे हर एक पार्ट पे, हर एक एप्लीकेशन पे आपको एक वीडियो मिलेगी तो आने वाले कल में। तो आज की वीडियो में हम जान लेते हैं। सबसे पहले मैं अपना कंप्यूटर दिखाऊं। ये देख सकते हैं, i7 मेरा ये कंप्यूटर है। प्रोसेसर इसका i3 है और ये देखिए, ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दिख रही है। और इसकी मेमोरी यानी कि रैम, इसकी रैम है 8GB की, देख सकते हैं आप लोग। और सिस्टम टाइप बिट इसका है 64 बिट का। दोस्तों, मैं एकदम देसी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आने वाली वीडियो में भी मैं ऐसे ही आप लोगों को समझाऊंगा ताकि जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उनको हमारी बात समझ में आए। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर लेते हो तो आप i3, कम से कम आप डुअल कोर भी ना लो, i3 लो। और ये 8GB रैम है, यहाँ पे 6GB हो सकता है लेकिन 4GB मत लो, 4GB मत लो, 6 से ऊपर लो। 8GB ले सकते हो, 6GB ले सकते हो। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका कंप्यूटर बहुत ही अच्छा चलेगा। और चलने के लिए हम क्या करें, अगर मान लो हमें वीडियो एडिटिंग करना है, अच्छे स्तर पे हमें वीडियो एडिटिंग करना है, तो हमें क्या करना होगा? दोस्तों, यहाँ पे आपको SSD लगवानी होगी। SSD आपको 250GB का भी आएगा, 500GB का भी आएगा, 1GB का आएगा। आपके बजट के हिसाब से आप SSD लगवा सकते हो अपने सिस्टम में। दोस्तों, SSD के बारे में आपको मालूम हो गया कि SSD जो होती है, कि SSD आपकी जो विंडो होती है जब आप सिस्टम को ओपन करते हो तो बड़ा ही फास्ट ओपन होता है और कोई भी काम करते हो तो बहुत ही फास्ट होता है। यानी कि आपके जो सिस्टम की स्पीड होती है बहुत ही हाई पावर की, ये SSD कर देती है। अब आते हैं दोस्तों हम इसके ग्राफिक कार्ड के ऊपर। दोस्तों, हम ग्राफिक कार्ड की बात करें, उससे पहले हम आपको कुछ यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि
अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है तो आपके जो सिस्टम की पिक्चर क्वालिटी है बहुत ही अच्छी होगी। और ग्राफिक कार्ड हम क्यों डलवाते हैं? ग्राफिक कार्ड इसलिए डलवाते हैं कि हम अगर कोई वीडियो एडिट करते हैं या अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे मतलब वीडियो एडिट या आपको सिस्टम में देखना ही है कुछ, तो जो क्वालिटी होती है ना बहुत ही हाई फाई हो जाती है, बहुत ही ऊपर चढ़ जाती है क्वालिटी और बहुत ही अच्छा होता है। ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो है ये तो अभी MP4 फाइल में थी। और ये देखिए, तो दोस्तों जो अपना ग्राफिक कार्ड होता है बहुत ही अहम है। अगर आपको मूवी देखनी है या कुछ देखना है तो कम से कम आप 250 GB की ही लगवा लीजिए आप ग्राफिक कार्ड अपने सिस्टम में, ताकि आपको क्या है कोई दिक्कत ना हो। आप आराम से अपने सिस्टम में अगर आपको मूवी वगैरह ही देखनी है तो आप देख सके। और ये सारी चीज़ें आपको PC में ही लगती है, लैपटॉप में। लैपटॉप आप 20,000 का लोगे, अगर मान लो थोड़ा हार्ड वर्क करना है, वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है, तो भाई मेरी समझ से बहुत ही बेकार होगा। अगर आपको लेना है तो आप PC बनवाओ, यानी कि PC असेंबल करवाओ और फुटकर में जो भी सामान होते हैं वो सब लगा के आप बनवाओ। इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और छोटे छोटे कंप्यूटर की जो समस्याएं हैं, सारी समस्याएं, जैसे कि ऑडियो जब गायब हो जाए तो क्या करें, या अपना विंडो करप्ट हो जाए तो क्या करें, या और कोई क्या समस्या है, पूरी डिटेल आपको हमारे इस चैनल पे मिलेगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए, तो कहने का मतलब ये हमारे पास कुछ पहले से स्टोरेज वीडियोस थी, तो जो मैं उनको आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी जरूरतमंद को जरूर इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उसको भी हमारे दी गई जानकारी अच्छी लगे और वो भी हमारी जानकारियों से फायदा उठा सके। दोस्तों हमें आपसे कुछ लेना नहीं है, सिर्फ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम आपको कंप्यूटर से रिलेटिव हर एक समस्या का समाधान हम आपको इसी चैनल पर हम दिखाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको के मन में कोई समस्या है उसको कमेंट करें, उसकी वीडियो आपको 24 घंटे के अंदर हमारे चैनल पे मिल जाएगी, पूरी समस्या का समाधान आपको दिया जाएगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।